नमस्कार, मैं नीरज कुमार राठौर। आज CII के वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम में एनकिंग इंटरनेशनल कंपनी से मेरे साथ में भावना मैडम और सोनाली मैडम मौजूद है, जो कि इन्वायरमेंटल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए कि क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही है आपकी कंपनी की इंदौर में सराउंडिंग। हमारी कंपनी जो है उसका ब्रांड आइडेंटिटी इंकिंग इंटरनेशनल है, जो कि 2008 से इंदौर बेस्ड कंपनी है। और हमारी कंपनी में एनवायरमेंटल सर्विसेज की हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ISO कंसल्टेंसी, GHG सर्विसेज, कार्बन क्रेडिट, कार्बन ट्रेडिंग, ये सारा सर्विसेज हम पैन इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर प्रोवाइड करते हैं। कार्बन क्रेडिट के बारे में आपका क्या विचार है? अभी इंडिया में इतना इसका पॉलिसी बना नहीं स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू यूरोप, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ इसमें कोशिश करना चाहिए? ऑलरेडी गवर्नमेंट इंडिया कोशिश तो करी है, क्योंकि बहुत सारे हमारी अभी जो ऑफिशियल से बात हुई, उन्होंने बोला कि पहले मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स निकाले हैं और उसमें ऐसा बोला है कि आप लोगों को सोलर पैनल्स वगैरह यूज़ करना है, जिससे कार्बन जो ज़्यादा एमिशन्स होते हैं वो नहीं हो। तो गवर्नमेंट इंडिया ले तो रही है, जो उनकी पॉलिसीज बना रही है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। जैसे इंटरनेशनली वो बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है, लेकिन नेशनली वो इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। तो उसको विद इन 5 years के अंदर वो भी डेवलप हो सकता है इंडिया में। कार्बन फुटप्रिंट भी एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है अभी एविएशन इंडस्ट्री में, इसको लेकर भी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लेके नहीं आ पाए हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐसी मंशा है कि फ्यूचर में वो कुछ ना कुछ इसमें स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लाएंगे, तो अभी आपकी कंपनी कार्बन फुटप्रिंट में क्या क्या काम कर रही है? कार्बन फुटप्रिंट में हमारे इंडिया के अंदर में भी 2-3 प्रोजेक्ट है जो कि हमने किए हैं। और बाकी न्यूट्रलाइजेशन की बात करें तो कलकत्ता एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट और बेंगलोर एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट, जिसको हमने लेवल 1 लेवल 2 एक्रेडिटेशन किया हुआ है। इसके अलावा और क्या क्या आप लोग कर रहे हैं? जैसे आपने बताया था कि ISO भी आप अभी करी रहे हैं, और भी कोई इंटरनेशनल बेंचमार्क वगैरह आप लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं? हम लोग कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग भी बहुत करते हैं, इवन मोर देन मिलियंस में हम लोग ट्रेडिंग कर चुके हैं। क्या स्कोप है इसका ट्रेडिंग का? ट्रेडिंग का स्कोप तो बहुत अच्छा है। अभी अगर अपन एज ऑफ नाउ अगर बात करो, आने वाले समय में इसका और अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, क्योंकि अभी इंडिया इतना अवेयर नहीं है, तो हो सकता है बाय 2020 में पॉसिबल क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर में कुछ और अमेंडमेंट्स आ जाए, जिससे कि जो अभी अवेयर नहीं है, तो एक अपॉर्चुनिटी और एक बेंचमार्क बन सकता है हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल को लेकर आपका क्या विचार है? क्या इंडिया ने ऑलरेडी साइन किया हुआ है, और कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका है, ये लोग पीछे हट रहे हैं उससे, तो भारत सरकार की क्या पॉलिसी होना चाहिए? क्या इन्वायरमेंट को लेकर क्योटो प्रोटोकॉल को 100% फॉलो करना चाहिए? जैसे ये एग्रीमेंट की बात है ना, पेरिस एग्रीमेंट जो अभी आप यूनिवर्सिटी का, तो इसके अंदर में वॉलेंट्री तो जो डेवलप कंट्री है काम कर रही है, लेकिन वॉलेंट्रीली अगर उसको करते हैं कि सबको इम्प्लीमेंट करना है, तो उससे एक पॉसिबिलिटी बनती है कि आगे अपन उसको आगे ले जा सकते हैं और बढ़ सकते हैं उसके लिए। और इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आगे चल के हम सबको ही प्रॉब्लम आएगी। ग्लोबल वार्मिंग वगैरह से इंडिया नहीं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी को प्रॉब्लम है, तो वॉलेंट्रीली सभी को उसको साइन तो करना चाहिए। तो आज हमारे साथ में एनकिंग इंटरनेशनल कंपनी से भावना मैडम और सोनाली मैडम ने कार्बन फुटप्रिंट और कार्बन क्रेडिट के बारे में अपना व्यू दिया। मैं घमासान की टीम की ओर से आभारी हूँ उनका, कि हमारे पाठकों तक एक बहुत ही रोचक जानकारी पहुँच रही है। आपने अपना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।